नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। ब्रिज के रेलवे ने अपने हिस्से का कार्य पूर्ण करने कसी कमर। वित्त मंत्री मलैया ने पूजन किया, रेलवे ने स्टील गर्डर रखे। स्तरीय किसान सम्मेलन में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सूखा राहत के 144 करोड़ की राशि का किया वितरण। सुनवाई में जन की समस्याएं सुनी, कलेक्टर अपर कलेक्टर ने किया निराकरण। संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले संविदा कर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य कर्मियों ने चुनरी ले पहुंचे मां के दरबार। जयंती पर हुए विभिन्न कार्यक्रम, वाहन रैली के साथ शोभा यात्रा का भी हुआ आयोजन। आराधना में डूबे भक्त, मां के जयकारों से गूंज रहे मंदिर और देवालय। समाचार विस्तार से। दमोह नगर के सागर नाका के समीप 40 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के अपने हिस्से के कार्य को रेलवे ने प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। रेलवे के अधिकारियों ने 36 मीटर स्पान के 2 असेंबल स्टील गार्डर को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। उक्त कार्य के लिए रेलवे ने 2 घंटे का मेगा ब्लॉक किया था। जानकारी के अनुसार 3 दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। उक्त पुल के निर्माण हो जाने से नगर में भारी वाहनों को यातायात दबाव काफी कम हो जाएगा। तो अगर एक जगह और लग गया और दोनों को सपोर्ट फिर तो अगला रखते जाएंगे, उससे उसको दूसरे सपोर्ट मिलता जाएगा। इस पानी का प्रेशर है, एक आदमी अगर हाथ पकड़े रहते हैं। संसाधन के वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में सूखा राहत के 144 करोड़ रुपए की राशि को वितरित किया। पति श्री विनोद ग्राम चनोरा 36,000 रुपए की राशि के खाते में पहुंचेगी। महेंद्र पिता राम सहाय राम दुपारिया 27,000 रुपए की खाती राशि के खाते में। पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा, चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले, आप बताओ आपको कोऑपरेटिव बैंक का कितना ब्याज लगता था? कितना लगता था ब्याज पदम सिंह बताओ? 18%, 16%, और आज कितना लगता है? और अब तो ये है, 100 रुपए का बीज और खाद ले जाओ और 90 रुपए दे जाओ। है कोई ऐसी प्रदेश में सरकार, हिंदुस्तान में या दुनिया में, जो हमारी सरकार कर रही है? इनकी समस्या को दूर करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में जहां जन सुनवाई हुई, तो वहीं कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने भी अपने चैम्बर में जन की समस्याओं को सुना। लाल जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह विभिन्न मार्गों से होकर वाहन रैली, तो संध्या के समय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रही है और इस समय कन्या भोजन का विशेष महत्व बतलाया जाता है। नगर के घंटाघर के समीप व्यापारियों ने कन्या पूजन किया तथा कन्या भोजन भी करवाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर
लंबे समय से संघर्ष कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने चुनरी ले जाकर माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना की कि उनको नियमित करने में मदद करें, आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरी ओर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एलएनबी टीवी के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है। आराधना का पर्व नवरात्रि चल रही है और इस समय देवी भक्त देवालयों और मंदिरों में लगातार मां की आराधना में लगे हुए हैं। टीवी के मौसम के समाचारों में आपका स्वागत है। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।